अमृतसर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अमृतसर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप शायद जानते होंगे, और साथ ही में हम अमृतसर की उन 5 जगहों को भी देखेंगे जो यहाँ पर घूमने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अमृतसर शहर के सफर पर। अमृतसर भारत के राज्य पंजाब में स्थित है, जो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ से 226 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और साथ ही में ये शहर ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। अमृतसर को ऐतिहासिक रूप से रामदासपुर के नाम से जाना जाता है, और साथ ही में इस शहर को अमृतसर के रूप में भी जाना जाता है। लुधियाना के बाद अमृतसर पंजाब राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अमृतसर शहर में 49% हिंदू, 48% सिख, 1% क्रिश्चियन और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। अमृतसर का शाब्दिक अर्थ है अमृत का कुंड। इस शहर का नाम पवित्र कुंड अमृत सरोवर से लिया गया है, जो शानदार स्वर्ण मंदिर को घेरे हुए है। अमृतसर शहर से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसे बागा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, और साथ ही में अमृतसर से लाहौर मात्र 47 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसके अलावा अमृतसर को पंजाब की इकोनॉमिक कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और साथ ही में ये शहर अपने गोल्डन टेंपल के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है, जो पूरी तरह से 24 कैरेट गोल्ड से कवर है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो अमृतसर पंजाब का दूसरा और भारत का 34वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 16 लाख के आसपास है। अगर अमृतसर शहर में घूमने फिरने की बात की जाए तो यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अमृतसर में घूमने की 5 सबसे अच्छी जगह, जहाँ पर हर साल हजारों लाखों लोग घूमने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है पार्टीशन म्यूजियम। पार्टीशन म्यूजियम में ब्रिटिश भारत के समय की और उससे पहले की कलाकृतियों और कहानियों का संग्रह है। यह म्यूजियम 1947 के समय के भारत विभाजन की यादों को समर्पित है। पार्टीशन म्यूजियम पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 4 पर है दुर्गियाना टेम्पल। दुर्गियाना मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के भीतर एक सुंदर सरोवर है, जहाँ पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की मूर्ति तैरती हुई दिख जाएगी। मंदिर का मुख्य आकर्षण एक फाउंटेन शो है, जो हर शाम मुख्य मंदिर के सामने लगता है। यहाँ पर दुर्गियाना प्रबंध समिति के द्वारा हर दिन लंगर चलाया जाता है। लंगर द्वारा समिति के लोग तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं। नंबर 3 पर है बागा बॉर्डर। बागा बॉर्डर भारतीय और पाकिस्तानी सीमाओं के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। बागा बॉर्डर से लाहौर 22 और अमृतसर 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर हर दिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाती है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। हर शाम सूर्यास्त होने से ठीक पहले भारतीय और पाकिस्तानी सेना के सैनिक इस सीमा की चौकी पर मिलते हैं और प्रदर्शन में शामिल होते हैं। यहाँ पर हर दिन हजारों लोग घूमने आते हैं और इस समारोह में शामिल होते हैं। नंबर 3 पर है जलियावाला बाग। जलियावाला बाग भारतीय इतिहास के सबसे दुखद दिनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बैसाखी के त्यौहार पर इकट्ठे हुए हजारों लोगों को जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से मार दिया गया था। इस घटना में जान गंवाने वाले मासूमों के लिए आज़ादी के बाद यहाँ पर एक स्मारक का निर्माण किया गया था। इस स्मारक का नाम नरसंहार स्मारक है। नरसंहार स्मारक का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इस जगह को अब एक सुंदर पार्क में बदल दिया गया है, और यहाँ की दीवारों पर आज भी आप लोग गोलियों के निशानों को देख सकते हैं। और अब हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है गोल्डन टेम्पल।
गोल्डन मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है। इस मंदिर में किसी भी धर्म के भक्त जा सकते हैं और यहाँ पर लंगर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त खाना खाते हैं। स्वर्ण मंदिर दुनिया के सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। आप लोग इन जगहों के अलावा अमृतसर में घूमने के लिए महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम, पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल एंड म्यूजियम, गोविंदगढ़ फोर्ट, पॉल बाजार आदि जगह जा सकते हैं।